प्रथम चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार आखिरी दौरे में है। पिछले कई दिन से नेता पश्चिमी यूपी में डेरा डाले हुए हैं। ताबड़तोड़ रैलियों का सिलसिला जारी है। हालांकि आज शाम तक यहां चुनाव प्रचार पूरी तरह थम जाएगा और इसी सिलसिले में बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज बिजनौर की जनता के बीच रैली की है। बता दें कि पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर प्रथम चरण में 11 अप्रैल को मतदान होना है। मायावती दोपहर 12 बजे प्रदर्शनी मैदान पहुंची थी और यहां जनसभा को संबोधित की। बता दें आपको कि बिजनौर है जो साल 1989 में भारतीय राजनीति के इतिहास को फिर से लिखने के विवश किया था, जब दबे कुचले शोषित वंचित समाज की बीटी ने मनुवादी ब्राह्मणवादी पार्टियों को धूल चटाकर पहली बार संसद में प्रवेश किया था। आपको बता दें जो किसी चमत्कार से कम नहीं था, इस चमत्कार के निर्माता मान्यवर काशीराम साहब थे। ऐतिहासिक दृष्टि से भी बिजनौर काफी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि मजबूर सरकारों के दौर का भी निमंत्रण बना था। बहुजन समाज पार्टी के गढ़ उत्तर प्रदेश के बिजनौर आज अपनी नेता माननीय मायावती को सुनने के लिए जो जनसैलाब उमड़ा है देखने लायक है। बता दें कि आज बिजनौर में ऐलान किया है कि आप हमें बिजनौर और नगीना दोनों सीट जीता है, फिर मैं इनमें से ही किसी एक सीट से चुनाव लड़कर देश की संसद में जाऊंगी। मायावती की रैली स्थल पर आने पर समर्थकों ने दोनों हाथ ऊपर उठाकर मायावती का जोरदार स्वागत किया है। बता दें कि बिजनौर, नागीना और मुरादाबाद लोकसभा कमेटी ने बीएसपी का चुनाव चिन्ह हाथी देकर स्वागत किया। दूसरी तरफ इस अवसर पर आकाश आनंद एवं सतीश चंद्र मिश्र फूलों का बुक देकर जोरदार स्वागत किया। वहीं बीएसपी के सपा समर्थकों से चुनाव वाले दिन बीएसपी और सपा के प्रत्याशियों को भारी तादाद में वोट देकर विजय बनाकर देश की संसद में भेजने की विनम्र अपील की। बता दें कि मायावती को सुनने पहुंचे बड़ी तादाद में समर्थकों ने मायावती के निवेदन को स्वीकारते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाकर मायावती को वादा किया है कि वह अधिक से अधिक प्रत्याशियों को जिताकर देश की संसद में भेजने का कार्य करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।